सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रविवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय एकता शपथ तथा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने समस्त आचार्य अधिकारी कर्मचारी एवं स्वयं सेवकों छात्र एवं छात्राओं को राष्ट्रीय एकता शपथ तथा स्वच्छता शपथ दिलाया। इस मौके पर प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत की आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल एक स्तंभ थे तथा स्वतंत्रता के बाद छोटे छोटे रियासतों को भारत में मिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करने में महान योगदान किया था। उनके आदर्शों का पालन करके उनकी जयंती के अवसर पर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में आगे आने के लिए समाज के लोगों को प्रेरित करता है। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह ने कहा कि देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यशैली तथा जीवन से सीख लेना चाहिए। सरदार पटेल का देश की अखंडता तथा एकता में अमूल्य योगदान रहा है। इस अवसर पर प्रोफेसर अवधेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर करुणाकर राम त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर अनुपमा कौशिक, डॉक्टर मीतू सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, डॉक्टर जेपी यादव, डॉक्टर जेके पांडे, डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर सूर्य प्रताप यादव एवं स्वयंसेवक कमलेश यादव, सुमित कसौधन, मानुष कसेरा, शुभम गुप्ता, अभिषेक जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा, सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा प्रदान करेंगे। यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के 10 संकल्प को चरितार्थ की ओर को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से अपने परिवार से अपने मोहल्ले से वहाँ के नागरिक नहीं होने देते हैं विचार के साथ प्रयास करूँगा। मुझे मालूम है की तरह बढ़ाया गया कदम। अब इस कार्यक्रम के बाद एक सिंबॉलिक रूप से हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हम आप सभी सुधीजनों के प्रति, अपने सभी अभिन्न सहयोगियों के प्रति, जिन लोगों ने यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, मैं उनके प्रति राष्ट्रीय सेवा योजना तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ से हम सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। हम सबके आभारी हैं, सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट लाइब्रेरी के बगल में हम लोग प्रोफेसर अजय सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण। आज का दिन जो 31 अक्टूबर है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं और इसको हम एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज हम लोग राष्ट्र की एकता के प्रति बच्चों को शपथ दिलाई गई है, जिससे बच्चों में यह जागरूकता बढ़े। राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा हमें प्रदर्शित करनी चाहिए। राष्ट्र कैसे उन्नति के मार्ग पर आगे चले, इसका हमें इस शपथ के दौरान के माध्यम से हम बच्चों में संदेश फैलाना चाहते हैं। समाज में यह संदेश जाए कि हमें राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करना चाहिए, उसको कार्य रूप में लाना चाहिए। और देख, कोई भी राष्ट्र तभी स्वस्थ और संपन्न हो सकता है जब हम स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे, अपने राष्ट्र की निष्ठा के प्रति जागरूक होंगे। जब हमारे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रहेगी तो हर काम हम अपनी राष्ट्र की निष्ठा के प्रति करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्र, हमारा देश उन्नति के मार्ग
पर प्रशस्त होगा, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी या देश के अन्य नेतागण, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सबकी ये इच्छा है, प्रेरणा है से हम लोग यह कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम और एकता कार्यक्रम यहाँ पे बच्चों के बीच में शपथ दिला करके उनको जागरूक करके, जिससे वो आगे समाज में जाएं तो समाज में इस एकता शपथ के बारे में, स्वच्छता शपथ के बारे में लोगों को बताएंगे तो लोगों में जागरूकता पैदा होगी और हमारा राष्ट्र और देश उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा।